Good morning to all my dear students. I am Arshia Hafiz Khan. I am your zoology teacher. First of all, I would like to welcome in your another semester, that is semester second. Hope कि आपने semester first का exam बहुत अच्छे से clear किया होगा. मैंने सोचा कि आपको second semester के paper के बारे में कुछ information देती चलूँ. आपको मैं पेपर फोर्थ पढ़ाऊंगी, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट. ओके, आपको पेपर फोर्थ मैं लूंगी, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट. ओके, तो मैं आपको एक आइडिया देती चलूँ कि आपको इस पेपर में क्या स्टडी करनी है, इनमें कितने यूनिट्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं. ओके, सो ये पेपर जो है पेपर फोर, इसमें आपको फोर यूनिट की स्टडी करनी है. फोर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर टोटल यूनिट्स आपको मेरे पेपर में स्टडी करने हैं. ओके, तो आपको सबसे पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में बताती चलूं कि यूनिट फर्स्ट में आपको क्या स्टडी करनी है. यूनिट फर्स्ट में आपको सबसे पहले पॉइंट दिया गया है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता क्या है? आपने प्रीवियस ईयर में, मीन्स आपका जो ट्वेल्थ का साल रहा है, उसमें आपने स्टडी किया ही होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी. बट यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल डेवलपमेंट आपको देखना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस, देन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस इन मैमल्स. हमें गैमेटोजेनेसिस की स्टडी करना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस में क्या है, एक मेल गैमेट होता है देन फीमेल गैमेट्स होते हैं. तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है जो मेल के गैमेट्स होंगे, एंड ओजेनेसिस में यह होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ओके, मीन्स मेल फीमेल के अंदर जो होती है वो ओजेनेसिस होती है. तो हमें इसकी स्टडी करनी है. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म कैसे फॉर्म होता है वो हमें स्टडी करना है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है. देन ओजेनेसिस में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी स्टडी करनी है. ओके, नाउ यूनिट सॉरी पॉइंट थ्री में हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ एग. अब एग्स का टाइप देखना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट ऑफ योग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग. अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे कैसे एग्स का, एग का टाइप है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेसिस पे उसका टाइप कैसे है एग का. तो एग का स्ट्रक्चर इसमें हमें सारा देखना है. तो ये टोटल हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट. ओके, हमें यूनिट फर्स्ट में इतना स्टडी करना है. देन अगर हम यूनिट सेकेंड की तरफ जाते हैं, हम यूनिट सेकेंड की अगर बात करते हैं तो यूनिट सेकेंड में हमें स्टडी करनी है गैमेट्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के गैमेट्स के बारे में. नाउ अगर गैमेट्स, जहां पर गैमेट्स की बात आती है तो वहां पर क्या होता है कि एक मेल गैमेट होता है एंड फीमेल गैमेट होता है, ठीक है. मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रॉग के अंदर वो देखना है. देन स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कैसा है फ्रॉग के अंदर ये देखना है, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि फ्रॉग एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में क्या है कि डेवलपमेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है इस एनिमल का, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है फ्रॉग का. तो सभी में प्रोसेस सेम होता है बट लेयरिंग कुछ चेंजेस होती है. यहाँ पर ये जो है सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल पूरा स्टडी करा ही दूंगी. फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, देन वहां पर क्लीवेज होता है. सेकेंड स्टेज उसका क्लीवेज होता है, देन वहां पर नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो ब्लास्टुलेशन होता है, देन गैस्ट्रुलेशन होता है. ओके, देन गैस्ट्रुलेशन के बाद में क्या होता है कि थ्री जर्माइनल लेयर्स वहां पर फॉर्म होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ दैट एम्ब्रियो वहां पर कंप्लीट हो जाता है. तो ये स्टडी आपको सारी करनी है. देन थर्ड पॉइंट इज दैट कि रीजनरेशन इन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो वो मैं आपको डिटेल ले लूंगी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा यूनिट सेकेंड. नाउ यूनिट
थर्ड में आपको क्या स्टडी करनी है? तो यूनिट थर्ड में आपको स्टडी करनी है चिक एम्ब्रियोलॉजी की, चिक एम्ब्रियोलॉजी की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कैसे होते हैं वो देखना है हमें। देन एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इनका स्ट्रक्चर देखना है एंड उनके फंक्शन भी देखने हैं। मीन्स एमनियन का स्ट्रक्चर कैसा है, देन उसका फंक्शन क्या है, देन कोरियन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके फंक्शन क्या है, यॉर्क सैक का स्ट्रक्चर कैसा है उसके फंक्शन क्या है, ये सारी स्टडी आपको यूनिट थर्ड में करनी है। ओके, देन प्लासेंटेशन इन मैमल, मैमल में प्लासेंटेशन कैसा होता है, क्लासिफिकेशन उसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, देन हिस्टोलॉजी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय कैसे है, एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है मैमल्स के अंदर, इसकी स्टडी आपको यूनिट थर्ड में करनी है। ओके, एंड यूनिट फोर्थ में जो है स्टेम सेल के बारे में आपको स्टडी है, स्टेम सेल्स, तो स्टेम सेल में सोर्सेस कैसे, सोर्सेस देन टाइप्स उसके, देन एम्ब्रियोनिक, हीमोपिटिक, एडल्ट नर्वस एंड रोल ऑफ स्टेम सेल्स इन ह्यूमन हेल्थ, ये सारी स्टडी आपको यूनिट फोर्थ में। देन पॉइंट सेकंड इज दैट के इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है उसके काउजेस क्या है, उसके डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये हमें सारी स्टडी करनी है। ओके, देन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजीज के बारे में स्टडी करनी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो ये टेक्निक IVF टेक्निक कहते हैं उसको, इन शॉर्ट उसका शॉर्ट फॉर्म IVF टेक्निक है। तो ये टेक्निक होती क्या है, ये किस लिए किया जाता है, वो किन में होता है, मेल्स में होती है, फीमेल में होती है, ये सारी स्टडी आपको करनी है। देन गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये गिफ्ट बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, GIFT गिफ्ट, ये स्टडी करनी है। देन ICSI क्या है, देन ZIFT क्या है, IUI क्या है, ये सारी स्टडी आपको यूनिट फोर्थ में मैं आपको करा के दे दूंगी। ओके, देन पॉइंट फोर इज दैट द पार्थिनोजेनेसिस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कैसा है। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका यूनिट फोर, आपको इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। यूनिट पेपर फोर्थ में दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आपने ट्वेल्थ में ये स्टडी किया ही है, आपको ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये सारा सिलेबस कवर करा दूंगी इन वेरी इजी वे, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट फोर मेरे पेपर में यूनिट फोर स्टडी करनी है आपको, फोर यूनिट की स्टडी है और बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है, आपका ट्वेल्थ में ये थोड़ा बहुत हुआ है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।